ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 19 रिक्त स्थान यानी खाली बॉक्स है यहाँ पर आपका, फिर देन 27, फिर आपका 31, यहाँ पर फिर खाली स्थान, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, मतलब जो बॉक्स है उसके मान को आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल है, जो आपको गिवन है पहले वो आप लिख लीजिए, फिर आपको क्या फाइंड करना है उसे आपको लिखना होगा, काफी इजी है। तो गिवन क्या, आपका पहला टाइम आपको दे रखा है कितना 19, जब आपको पहला टाइम मिल जाए तो आप खुश हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि पहला टाइम मिलते ही आपका काम हो जाता है आसान। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको A2 नहीं पता, तो A2 लिखोगे पता करना है आपको, फिर आपको A3 का मान पता है कितना है भैया 27, 27 यहाँ पर लिख देंगे, फिर आपको A4 का मान पता है कितना 31, तो 31 को यहाँ पर लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, आपको पांचों पद नहीं पता, तो पांचों पद आपको निकालना है, यानी आपको दूसरा पद ज्ञात करना है और आपको पांचों पद ज्ञात करना है, आगे बात समझ में। और कोई भी पद निकालने के लिए आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन में यही एक कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, और आपको ए और डी का मान पता है तो आप दुनिया के कोई भी पद को ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ओके, तो यहाँ पर आपको A3 खोलना होगा पहले, तो A3 क्या होता है आपका, A प्लस में 2D, फॉर्मुला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल ट्रिक आपको पता है A प्लस में 2D, और ये ट्रिक कैसे काम करती है वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी। ओके, A3 का मान कितना है 27 यहाँ पर रख देंगे, A का मान आपको पता है कितना है 19, तो 19 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 2 × D, आपको डी का मान नहीं पता, डी का मान यहाँ पर निकाल रहे हैं, प्लस का 19 इक्वल के इस तरफ आके क्या बन जाएगा माइनस का 19, यानी कि 27 माइनस में 19 यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू में 2D, 27 में से 19 क्या कितने बचेंगे जल्दी बोलो, कितने बोलो बोलो, 8 बचेंगे, आवाज़ निकलनी चाहिए कमेंट बताओ कितने, ठीक है 8, ओके इक्वल टू 2D, अब तो 2D से मल्टीप्लाई है, 2 को नीचे भेज देंगे, तो डी इंटू में 8/2, 8 को 2 से भाग करने पर कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि डी का मान कितना आ चुका है 4, डी का मान निकलते ही आप लोग खुश हो जाओ बिल्कुल, हैप्पी हो जाओ, ठीक है आपका काम हो चुका है आसान, आपको ए का मान पता है, आपको डी का मान पता है, आप इजिली आप ज्ञात कर सकते हैं, सही निकाला है क्या हमने। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा सही है, इसे उतारो, ठीक है फ्लैट में 20 सेकंड आपको दे रहा हूँ, रफ करने वाला इसके बाद में, उतारो जल्दी से फास्ट, अपने कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपको डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है लाइव है बिल्कुल, आपके कमेंट्स मुझे सामने दिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आए तो जरूर पूछें, आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है मैं यहाँ पर उतारते जाओ लाइव, बिल्कुल ऑफलाइन तरह आपको पढ़ना है, ठीक है ऑनलाइन आपको सही बारह ऑफलाइन तरह पढ़ना है, ठीक है आपको बिल्कुल, कोई भी डाउट आ रहा है पूछो जरूर, आपके कमेंट भी सामने दिख रहे हैं। ओके सामने चढ़ जाता फिलहाल में, एक बार खुद से ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है आप इजी है, जैसे लास्ट का क्वेश्चन आता ना सेम उसी की तरह है, आपको डी का मान मिल चुका है, आपको ए का मान मिल चुका है, निकाल लो सिंपल सा, फास्ट करो भाई फास्ट, टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है वैसे काफ़ी दिनों बाद लाइव आ रहे हैं ना आप सभी के लिए, काफ़ी दिनों बाद लाइव आ रहे हैं वैसे, चलो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा रिस्पांस आता है ना तो फिर लाइव आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी डिमांड आया था क्लास 10th के लिए, उतार लिया आप लोगों ने जल्दी बताओ फटाफट फास्ट उतार लिया, जब रुका रहता तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है जब पढ़ा रहा हूँ तब आगे कमेंट नहीं देखूंगा, चाहे नाराज हो चाहे कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है बिल्कुल भी, तो आप लोगों ने उतार लिया फिलहाल में, आप करते हैं निकालते हैं ठीक है बाकी, तो डी का मान आप लोग याद रखना, डी का मान कितना आया आपका 4 आ चुका है, तो डी का मान कितना है भैया 4 आ चुका है, और ए का मान कितना देखा आपको 19 दिया हुआ है, तो 19 यहाँ पर लिख देंगे, आपको ए का मान प्राप्त है, आपको डी का मान प्राप्त है, आप इजीली कोई सा टर्म निकाल सकते हैं। ओके तो आपको निकालना है क्या, कौन सा टर्म, A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D होता है, सिंपल सा A और D का मान यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, A का मान कितना है भैया, A का मान आपको देखा है 19, तो 19 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में D का मान कितना है 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, 9 × 4 = 13 कितना हो गया यहाँ पर 23 हो चुका है, तो A2 कितना आ गया आपका 23 आ चुका है, A2 का मान कितना आ चुका है 23, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, आप लोग निकालता निकालता निकाल तो जो कमेंट करना, ठीक है नहीं निकालता काम चोर, काम चोर बालक, ठीक है देखो यहाँ पर आपको निकालना है A2 हो चुका है आपका, A5 निकालना है, A5 क्या होता है आपका A प्लस में 4D, अब यहाँ पे आपको A का मान D का मान पुट करना है, A का मान कितना है 19, तो 19 आप रख देंगे प्लस में 4 × D का मान कितना है, अब आप निकाले 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, 19 प्लस में 4 × 16 यहाँ पर रख देंगे, कितना आ गया आपका यहाँ पर आंसर 35 यहाँ पर आपका आ चुका है, तो 35 यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा, ठीक है तो A5 कितना आ गया आपका 35, उतार लो जल्दी से, कोई भी डाउट आया तो कमेंट जरूर करें।